इस समय ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम के विरुद्ध सीरीज में हिस्सा ले रही है। इस सीरीज में भारतीय टीम 24 फरवरी से पहला टी20 खेलेगी। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने वनडे टीम के आगे के प्लान और विश्व कप को लेकर अपने विचार रखे। धोनी ने इंडिया सीमेंट और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन की बुक लॉन्च समारोह में अपनी बात कही। इस दौरान धोनी से पूछा गया कि भारत की वर्तमान वनडे टीम के मध्यक्रम को लेकर काफी संशय है और इसमें सुधार कैसे होगा। इस पर धोनी ने बताया कि पिछले 1 से 2 साल में वनडे टीम के नंबर 1 से 3 बल्लेबाजों ने ज्यादातर गेंदें खेली हैं, इसलिए नंबर 4 से 6 को ज्यादा मौका नहीं मिल पा रहा है। धोनी ने कहा कि हमें कोई रास्ता निकलना पड़ेगा जिससे कि नंबर 4, 5 और 6 को मैच में ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाजी का मौका मिल सके। साफ है कि धोनी का इशारा इस समय के वर्तमान मध्यक्रम में शामिल अंबाती रायडू, केदार जाधव और खुद धोनी को ज्यादा बल्लेबाजी के मौके देने पर था। अब देखना होगा आगामी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी क्रम में कैसे बदलाव देखने को मिलते हैं।